आपको बता दें कि वीवो जो कि चाइनीज डिज़ाइन कंपनी है, बता दें आपको कि वीवो Y75X को बहुत ही जल्द भारत में लॉन्च कर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आपको बता दें कि स्मार्टफोन को चाइना की लिस्टिंग और वीवो की ऑफिशियल वेबसाइट पर सपोर्ट किया गया है। जी हाँ, इसके अलावा आपको बता दें कि स्मार्टफोन की ऑफिशियल लिस्टिंग से इसकी कुछ खास स्पेसिफिकेशंस का भी पता चला है और कंपनी वीवो Y75X के साथ एक और स्मार्टफोन लॉन्च कर सकती है जिसका नाम है वीवो Y83 भी लॉन्च हो सकता है। वैसे आपको बता दें कि चीना की लिस्टिंग से पता चला है कि वीवो Y75X का डिज़ाइन पिछले साल लॉन्च हुए पुराने वेरियंट जैसा हो सकता है और इसके अलावा इस स्मार्टफोन की स्पेसिफिकेशंस V7 प्लस जैसी हो सकती है। Y75S में 5.99 इंच का फुल व्यू डिस्प्ले हो सकता है और कंपनी इस डिवाइस को 18:9 के एक्सेप्ट रेशियो में उतार सकती है। स्टोरेज की बात करें तो 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आ सकता है। वैसे आप फ़ोन के स्टोरेज को microSD कार्ड के जरिए भी बढ़ा सकते हैं। Vivo Y75S में LED फ्लैश के साथ 13 MP का कैमरा आ सकता है। बता दें आपको कि Vivo Y75S की डीप ब्लू, मैट ब्लैक और रेड ऑप्शन में आपको मिल सकता है, इसमें गोल्ड भी शामिल है, जबकि Y83 ब्लैक और सैम्पन गोल्ड कलर में आएगा। इसके अलावा फ़ोन की प्राइसिंग और अवेलेबिलिटी के बारे में पता चला है कि थोड़ा कुछ पता चला है, पर हालांकि फ़ोन की लिस्टिंग में पता चल सकता है कि कंपनी इन स्मार्टफोन को जल्द ही लॉन्च कर सकती है। नेक्स्ट 9 टेक की रिपोर्ट।